दूसरी चीज वो है कि इसके अंदर तहज्जुद की नमाज के अंदर आपको मुनाजात करनी पड़ेंगी अल्लाह की बारगाह में। क्या करनी पड़ेंगी? मुनाजात। जैसे मेरी एक छोटी सी मुनाजात तो बहुत सी हैं ख्वाहिशें की, मुझे ये यहाँ पर एक अपनी दुआ याद आ गई। तो दुआएं मेरे पास बड़ी हैं, मैं बस एक ही चीज़ ज़िंदगी में तलाश में रहता हूँ। पूरी ज़िंदगी मैंने गुजार दी, वो मैं जब बच्चा था ना उस वक्त से लेकर आज तक। आप ये देखें कि जब मुझे नई भी दीन की समझ थी ना उस वक्त, यानी बहुत कम समझ थी, बच्चा था मुझे, मैं बस ना अल्लाह ताला को मनाने के तरीके तलाश करता हूँ। मैं उससे अपनी बात मनवा लूँ, बस मुझे ये शौक है, मेरी ये लगन है, यही मेरा टेस्ट है। जो मैंने आज तक पढ़ा, जो मैंने आज तक देखा, जो मैंने किया, जो मैंने पापड़ बेले, कम किए ज़्यादा किए, मुझे अल्लाह ताला को मनाने का बहुत शौक है। अल्लाह मेरा बादशाह है, मैं उसका गुलाम हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने बादशाह से बातें करूँ, बादशाह मुझसे बातें करे, बादशाह मुझे हुक्म दे, मैं भाग कर जाके बादशाह के वो काम करके आऊँ, फिर बादशाह मुझे इनाम दे, मैं बादशाह से हम कलाम रहूँ, मेरे दिल में बादशाह रहे, मैं बादशाह की बारगाह में बैठा रहूँ, बादशाह के दरबार में मेरी रसाई पूरी होनी चाहिए, मैं करीब होके बादशाह के बैठूँ और मैं उस पर फख्र करूँ, मैं उस पर अपना पूरा प्राउडीनेस फील करूँ, मुझे ज़्यादा ये अच्छा लगता है और मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता। उसके लिए कुटिया हो या महल, मुझे बादशाह चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो अल्लाहुम्मा इलाही, ऐ मेरे प्यारे अल्लाह मियाँ, देखें मियाँ का लफ्ज देहलवी जबान में, दिल्ली की उर्दू में साहिब के लिए बोला जाता है, बाइज्जत आदमी के लिए बोला जाता है। यहाँ मियाँ आप किसी और को कहते हैं वहाँ की जबान, ठीक है। व इलाह इब्राहीम व इसहाक व याकूब, वो रब जो हज़रत इब्राहीम इमामुल मुआहिदीन सैयदुल मुआहिदीन का रब है, जो हज़रत इसहाक का रब है और जो हज़रत याकूब का रब है। व इलाह जबरील व मीकाईल व इसराफील, वो जबरील जिससे इतना बड़ा कि ज़मीनों आसमान उससे भर जाते हैं, वो 300 हाथों वाला जबरील, परों वाला उसका, और मीकाईल और इसराफील। असालुका अंतस्तजीब दावती, मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरी बातें जो मैं आपसे करता हूँ कुछ मांगने वाली, उनको आप सुन लिया करें। और फ़ाइन्नी मुस्तर, मैं बहुत इस्तराब में रहता हूँ। व तासी मानी फ़ी दीनी, मुझे मेरे दीन के मुतलक अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखें। फ़ाइन्नी मुब्तलायन, क्योंकि मैं तो बहुत चीज़ों में मुब्तला हूँ, बलाओं में मुब्तला। वतनालनी बिरहमतिका फ़ाइन्नी मुज़्निबुन, मुझ गुनाहगार को अपनी रहमत के अंदर गोते दे लें। वतन फी या अन्नी अल्फक्र फ़ाइन्नी मुतमस्किनुन, मुझ फकीर को जो आपकी बारगाह में खड़ा है इस तरह से रजा दें कि फिर मुझे भूख ना किसी किस्म की हो। हस्बी अल्लाहु लदीनी, अल्लाह मेरे दीन के लिए काफ़ी है। हस्बी अल्लाहु लदुनियाया, अल्लाह मेरी दुनिया के लिए काफ़ी है। हस्बी अल्लाहु लिमा अहम्मनी, जो मेरे अंदर गुमान चलते हैं उनको भी कता करने के लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है। हस्बी अल्लाहु लिमन बगा अलैया, वो जो मेरे अंदर शहवात जन्म लेती हैं और मुझे बगावत पर मादा करती हैं, अल्लाह उनके लिए तो काफ़ी हो जा। हस्बी अल्लाहु लिमन हसदनी, जो मुझसे हसद करते हैं, खुदावंदा उनके मुकाबले में तू मेरे लिए काफ़ी हो जा। हस्बी अल्लाहु लिमन कादनी बिसुइन, जो मेरे खिलाफ साजिशें बनाएं, मुझे उलट देने की कोशिश करें, उनके लिए तो काफ़ी हो जा। हस्बी अल्लाहु इंदल मौत, अल्लाह जब मुझे मौत आए तो तू मेरे लिए काफ़ी हो जा। हस्बी अल्लाहु इंदल मसालती फिल कब्र, जब कब्र में मुनकर नकीर आके सवाल करें उस वक्त भी तू मेरे लिए काफ़ी हो जा। हस्बी अल्लाहु इंदल मिजान, जब हशर के दिन तराजू जुड़ जाए और अमल नामा तोलने के लिए तू खुद आ जाए उसके अंदर मेरी हामियों में। और हस्बी अल्लाहु इंदल सरात, पुल सरात पर तू मेरी उंगली पकड़ के गोदे रहमत में उठा के ले जाए मुझको। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु वा अलैहि अनीब, अल्लाह तू
मैं तुझ पर अपना तवक्कल कर चुका हूँ कि तू एक वाहदहु ला शरीक है, जब भी मुड़ू मैं तेरी जानिब मुड़ू, किसी गैर की तरफ ना मैं देखूँ।